वालेकुम। ये देखिए, हमारी तरफ हमारे पास एक रिटर्न आया है। ये इसकी ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ये जो है रिटर्न हमारे पास आया है हारून शब्बीर की तरफ से। इसको थोड़ा जूम कीजिएगा काइंडली। ये हारून शब्बीर साहब की तरफ से आया है, ठीक है। रिटर्न ये इनके ऑर्डर आईडी है, ठीक है। इन्होंने जो है वो दो वॉचेज ऑर्डर की थी हमसे, एक वाइट और एक जो है वो ब्लैक, ठीक है। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि इन्होंने जो है वो क्या सीन है इनकी वॉच का। तो जो है वो हम अनरैप कर लेते हैं बॉक्स को काट कर। इनका क्लेम ये था कि जो है हमने इनको वॉच जो है वो डिफेक्टिव दी है और काम नहीं कर रही वॉच। तो काइंडली चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हर वीडियो की हर वॉच की जो है वो प्रायर वीडियो होती है, जिसमें हम वॉच चेक कराते हैं ताकि वो रिटर्न कभी कोई इस तरह से करे फाइल तो हम उसको सबमिट करा सकें। तो हम देख लेते हैं कि आया इनका क्लेम दुरुस्त है या ख़राब है। तो इसके अंदर ये देखें, ये वॉच एक आई है हमारे पास और दूसरी नहीं आई है हमारे पास इनके। हालांकि इन्होंने दोनों रिटर्न फाइल किए थे दोनों वॉचेस के। तो इस बॉक्स को हम रख देते हैं साइड पर, ये एक आई है, ठीक है। वॉच चेक कर लेते हैं। ये वॉच हमने बबल रैप में जो है वो पैक करके दी थी। इन्होंने वॉच यूज़ तो की है, इस पर निशान वगैरह दिख रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह के। बाकी स्ट्रैप्स वगैरह चेक कर लेते हैं। वॉच को अभी हम थोड़ी देर में चार्ज पे लगा के चेक करेंगे। देखें स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ हुए हैं, ठीक है। बाकी वैसे कंडीशन ओवरऑल कोई सी खास ख़राब नहीं है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, स्ट्रैप्स भी ठीक हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर चार्जर चार्जर भी मौजूद है। हम वॉच को चार्ज पे लगा लेते हैं ताकि जो है वो हम इसको चेक कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से आई हुई होती है तो ये डेड हो चुकी होती है, डिफेक्टिव और नॉट वर्किंग आया था इसका। तो वॉच देख लेते हैं हम। ये थोड़ी देर में ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल डेड आई भी होती है। इसको चेक करें, आया ये ऑन होती है नहीं होती है। वॉच तो ऑन हो गई है, वॉच जो है वो बिल्कुल ऑन हो गई है, काम भी कर रही है बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसका टच वगैरह देख लें, बिल्कुल सही चल रहा है। वॉच में कोई इशू नहीं है ऐसा। हो सकता है कि कस्टमर को जो है वो यूज़ करना ना आई हो, जिसकी वजह से उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो वॉच में जो है वो और तो कोई चीज़ें ख़राब नहीं है, क्योंकि वॉच जो है वो बिल्कुल ऑन हो रही है और जो है वो चल भी रही है। बाकी देखें ये जो वॉच है इसके चार्जर में सेट करके लगा लेते हैं। इसमें वॉच की चार्जिंग में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। ये हमने जो है वो वॉच जब दी है इनको तो बिल्कुल चेक करा के दी थी। हो सकता है इन्होंने जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की हो वॉच के साथ, तो जो है वो इशू क्रिएट कर दिया हो वॉच ने, तो बल्कि चार्ज भी हो रही है। वॉच चार्ज भी हो रही है, वॉच सही भी है, वॉच सही काम भी कर रही है, ठीक है। और फिर भी जो है वो इसके लिए मैं जो है वो एक प्रायर वीडियो भी सबमिट करा दूंगा आपको। इसको हम देख लेते हैं चार्ज हो रही है। देखें ये वॉच चार्ज भी हो रही है, इसके तमाम फंक्शंस भी काम कर रहे हैं। मैं इसका हार्ट रेट सेंसर भी दिखा देता हूँ आपको। देखें इसका हार्ट रेट सेंसर भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो तमाम ऑप्शंस तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बाकी मैं इसकी प्रायर वीडियो भी सबमिट करा दूंगा। ये देखें चार्ज भी हो रही है। फिर मुझे नहीं पता कि कस्टमर ने रिटर्न क्यों करी, हो सकता है उनको यूज़ करना ना आई हो। ये देखें वॉच चार्ज भी हो रही है, वॉच के सारे फंक्शंस भी काम कर रहे हैं, अब उनको यूज़ करना नहीं आई है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और हमें एक ही रिसीव हुई है वॉच, दूसरी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने ऑर्डर जो किए थे वो दो किए थे ना, तो ऑर्डर आईडी भी लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। ऊपर थोड़ा दिखाइएगा, ये देखें ये ऑर्डर आईडी सेम है जो हमारे पास ऑर्डर आया है, ठीक है। तो काइंडली इसको कंसीडर कीजिएगा, हम इसकी प्रायर वीडियो अगर हो सकेगा तो इसके साथ ही सबमिट करा देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।